भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिनको टिकट नहीं मिलने की संभावना है वे जा सकते हैं। यूपी की राजनीति में ऐसा होता है, जिनको टिकट नहीं मिलने वाले वे इधर उधर जाते हैं। हमारे पास ज्यादा विधायक है तो हम कुछ विधायकों के टिकट काटेंगे, उनको पहले सूचना मिल जाती है तो वे दूसरे दलों में चले जाते हैं। सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है वहाँ पर, निश्चित रूप से हम कुछ विधायकों के टिकट काटेंगे, उनको पहले सूचना दे दी तो वो दूसरे दल में जाएंगे ही। और जहाँ तक भाजपा की शक्ति का सवाल है, आज बहुत ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी और हमारा विश्वास है कि वापस जिस प्रकार पिछली बार 325 सीट आई थी उसी प्रकार 325 सीट आएगी। इस प्रकार के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश नहीं करते हैं, पर कोई व्यक्ति हमें लगता है कि पार्टी के हित के लिए अच्छे हैं, अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। पंजाब की सियासत पे क्या है? पंजाब की राजनीति में जिस प्रकार का प्रदूषण आया है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को जिस प्रकार खतरा हुआ है और उसमें सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है, और एक मीडिया ग्रुप ने स्टिंग किया, वो आप सब लोगों ने देखा, सारे देश ने देखा, इससे सरकार बेपर्दा हो गई। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगना चाहिए।